और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च में बढ़ोतरी और आईआरडीए की सख्ती की वजह से बीमा कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। आईआरडीए की रिपोर्ट के मुताबिक 2009-2010 में बीमा कंपनियों का घाटा 15% बढ़कर 20,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है। बीमा कारोबार से जुड़ी कंपनियों से जल्दी मुनाफे में आने की उम्मीद करना बेकार है। आईआरडीए ने पिछले हफ्ते जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2009-2010 में 23 में से 15 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां घाटे में रही है, जबकि LIC, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, SBI, मेटलाइफ, बजाज अलायंस, सहारा इंडिया और एगॉन रेलिगेट जैसी कुल 8 कंपनियों ने ही मुनाफा कमाया है। इसी तरह नॉन लाइफ इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कुल 17 कंपनियों में से 7 कंपनियां घाटे में हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि उन्हें प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क का विस्तार करने में काफी रकम खर्च करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव स्पेंट देयर कैपिटल ऑन इंक्रीजिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी, सो वेदर इट इज इंक्रीजिंग द टाइड एजेंसी और इंक्रीजिंग ऑल्टरनेट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्किंग थ्रू बैंक्स, आई थिंक लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट बाय कंपनीज टू एंश्योर दैट यू नो दीज चैनल्स आर सेट अप। इसके अलावा बीमा कारोबार में बड़ा कंपटीशन भी कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने की राह में मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीमा कंपनियों में सस्ते प्रोडक्ट बेचने, विज्ञापन पर ज्यादा खर्च करने और दफ्तरों की संख्या बढ़ाने में होड़ मची रहती है, जिससे वित्त वर्ष 2008-2009 में बीमा कंपनियों को कुल 17,304 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो कि वित्त वर्ष 2009-2010 में करीब 16% बढ़कर 20,143 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनियों ने बीमा एजेंट्स को मिलने वाले मोटे कमीशन पर कैंची चलाकर काफी हद तक अपने खर्चे घटाए हैं, पर बैलेंस शीट पर इसका असर दिखने में कुछ वक्त लगेगा। जो मेन गेम जो है हमारी इंडस्ट्री में वो प्रोडक्टिविटी का है कि हर इंसान से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 1-2 साल थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इन 1-2 साल के बाद इंडस्ट्री काफी हेल्दियर इमर्ज करेगा। हालांकि सेबी बीमा कंपनियों के एक्सचेंज में लिस्टिंग से जुड़े नियमों को मंजूरी दे चुकी है, जिससे कंपनियों को प्राइमरी मार्केट से कैपिटल जुटाने में मदद मिलेगी, पर इसका फायदा भी उन्हीं कंपनियों को हो सकेगा जो मुनाफे में चल रही है। ऐसे में घाटे से जूझ रही बीमा कंपनियों के लिए आगे का सफर काफी मुश्किलों भरा है। अमोल देठे, जी बिजनेस। इस बुलेटिन में आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।